नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका कुक विद अनीता में। तो आज मैं बना रही हूँ टेंडे चने की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी इजी और टेस्टी लगती है। तो चलिए हम बनाते हैं इसको। तो यहाँ पे मैंने टेंडे लिए हुए हैं, जिसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मैं इसकी जो ऊपर की छिकल है वो निकाल लूँगी। अब मैं इसको काट लूँगी छोटे छोटे पीसेस में, जैसे भी आपको काटना है वैसे काट सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टिंडे काट लिए हैं और मैंने यहाँ पे चने की दाल भिगो के रखी हुई थी। 1 से 2 घंटे पहले भिगो के रखना होता है इसको। और यहाँ पे मैंने प्याज काट के रखी हुई है, लहसुन काट के रखा हुआ है, और यहाँ पे मैंने कच्ची कैरी ली हुई है। आप कैरी की जगह आमचूर भी यूज़ कर सकते हैं, और 2 रेड चिली लिया हुआ है। तो अब हम एक पैन लेंगे, जिसमें मैंने डाल दिया है ऑयल 2 चम्मच। तेल गर्म होने के बाद इसमें मैंने डाल दिया हींग, और 2 चम्मच इसमें मैं डाल दूँगी जीरा। जीरा होने के बाद इसमें डाल दूँगी 2 रेड चिली, और रेड चिली होने के बाद मैं डाल दूँगी इसमें लहसुन। लहसुन होने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज, और प्याज को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये कलर चेंज ना कर ले अपना। तो प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। इसमें डाल दिए चना जो हमने भिगो के रखा हुआ था, तो उसका पानी निकाल के हम इसमें चने चने डाल देंगे। एक बार ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इसमें मैंने डाला है हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च और नमक स्वाद अनुसार। और अगर आप कैरी नहीं डाल रहे तो आप इसी समय आमचूर डाल सकते हैं। तो एक बार ही मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले चने को 5 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे टिंडे जो हमने काट के रखे हुए थे। मैंने अभी जो गैस की फ्लेम है वो मीडियम रखी हुई है। अब हम एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पानी, 1/2 कप बिल्कुल थोड़ा पानी डालना है आपको इसमें। और मैंने डाल दिया कैरी। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी 5 मिनट के लिए। 5 मिनट बाद हम इसको फिर चलाएंगे, उसके बाद हम इसको और ढकेंगे 5 मिनट के लिए। तो 10 मिनट में ये रेडी हो जाएगी सब्ज़ी। तो 5 मिनट बाद मैं इसको फिर से चला रही हूँ। अब मैं इसका भी और ढक के रखूँगी 5 मिनट के लिए। तो 10 मिनट हमने इसको अच्छे से पका लिया है सब्ज़ी को, और ये बन चुकी है। आप इसमें ऊपर से धनिया भी डाल सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है और टेस्टी भी लगती है ये। तो आप ज़रूर ट्राई करिएगा, और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।